बिहार के पटना से निकलकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन जिस तरीके से सूचना मिल रही है वैसे में सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम नीतीश कुमार की सोमवार को एक क्राइसिस हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद से बिहार के लिए लॉकडाउन पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूचना यह प्राप्त हो रही है कि 1 जून तक जो लॉकडाउन है उसे बढ़ा करके 8 जून तक किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ छूट भी दी जा सकती है, जैसे कि कई दुकानें हैं उसको खोला जा सकता है और इसको लेकर के कुछ नई गाइडलाइंस के तहत दुकानों को सरकार खुलवा सकती है। आपको बताते चले कि बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा और सीएम नीतीश कुमार के द्वारा तमाम जिलों से डीएम के से फीडबैक ली गई, जिसको लेकर के बिहार के कई जिलों के डीएम का यह फीडबैक है कि लॉकडाउन को लेकर के जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनमें काफ़ी कमी आई है, और इसको लेकर के अन्य जिलों के भी डीएम चाहते हैं कि और लॉकडाउन हो ताकि कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो जीरो यानी कि शून्य पर हो जाए। और इसी के मद्देनज़र एक हाई लेवल क्राइसिस मीटिंग होगी सोमवार को, सीएम नीतीश कुमार उसमें मौजूद रहेंगे और उसके बाद ही फैसला होगा कि बिहार में क्या कुछ करना है। इतना तय है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है, यानी कि फिर से एक बार लॉकडाउन 4 हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन 4 में यह जो खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन 4 में कपड़े की दुकानों को खोला जा सकता है, कुछ अन्य दुकानें और भी खुल सकती है, लेकिन यह क्राइसिस मीटिंग होने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। जो दुकानें खुलेंगी उसके लिए कुछ नई गाइडलाइंस बनाई जाएंगी जिसके तहत वो दुकानें खोली जाएंगी। तो एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लॉकडाउन जो है बिहार में उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 1 जून तक जो लॉकडाउन है उसे 8 जून तक के लिए किया जा सकता है, और ये फैसला बिहार की सरकार सोमवार को ले सकती है जब हाई लेवल की क्राइसिस मीटिंग चलेगी। उसके बाद से नीतीश कुमार यह बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि तमाम जिले के डीएम का जो फीडबैक मिला है उसमें बिहार में कोरोना जो मरीज हैं उनमें काफ़ी कमियां आई है, इसी को लेकर के लॉकडाउन फिर एक बार बढ़ाया जा सकता है, यानी कि फिर से हम लोग लॉकडाउन 4 में जा सकते हैं। अब देखना होगा कि सोमवार को बिहार सरकार क्या फैसला लेती है।